Yes, student. Today in this video we will discuss the poem The Duck and the Kangaroo. तो डक एंड द कैंगरू को हिंदी में क्या कहते हैं? बत्तख और कंगारू. तो ये जो पोएम है वो किसकी है? बत्तख और कंगारू की ये पोएम है. दिस पोएम इज कंपोज बाय एडवर्ड लेयर. ये पोएम किसने लिखी है? इसके पोइट कौन है? एडवर्ड लेयर इसके पोइट है. इट इज़ अ टेल ऑफ टू फ्रेंड्स. ये टेल किसे कहते हैं? स्टोरी. ये किसकी कहानी है? दो दोस्तों की कहानी है. द डक एंड द कैंगरू यानी कि बत्तख और कंगारू की ये कहानी है ये पोएम. दे आर अबाउट टू सेट आउट ऑन अ लॉन्ग प्लेजर ट्रिप. वो क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, मतलब लंबी यात्रा पे जाने के लिए ये प्लानिंग करते हैं. द कैंगरू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल इज वेरी ऑफ हर वेट फीट. जो कंगारू है बहुत ज़्यादा खुश है अपनी पूंछ के टिप पे बिठा के ले जाने के लिए डक को, लेकिन उसे किस बात का डर है? उसके गीले पैरों से डर है, वो उसे डर रहा है. व्हाट विल द डक टू डू मेक द कैंगरू फील कंफर्टेबल ओवर लैंड एंड सी. लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट. देखते हैं कि जो डक है वो क्या करेगी ताकि कैंगरू जो है, जो कंगारू है, वो कंफर्टेबल फील करे ज़मीन पे भी और समंदर में भी. अब देखते हैं कि क्या होता है इस पोएम में. सो लेट सी द पोएम. सेट द डक टू द कैंगरू गुड ग्रेशियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप. अब जो बतख है वो कंगारू से क्या कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, मतलब बहुत ज़्यादा कि तुम्हें क्या है कि तुम चल पाते हो, मतलब कूद पाते हो. मीन्स कूद कूद के चल पाते हो, मतलब ज़मीन पे भी पानी में भी. एज यू नेवर वुड स्टॉप. तुम्हें देख कर ऐसा लगता है जैसे तुम कभी नहीं रुकोगे, बस चलते ही जाओगे. माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. आई विश आई कुड होप लाइक यू सेट द डक टू द कैंगरू. अब जो बतख है वो क्या कहती है कि मेरी लाइफ तो कितनी ज़्यादा बोरिंग हो गई है. नेस्टी पॉन्ड मीन्स इस गंदे से तालाब में, इतने छोटे से तालाब में. और मेरा भी दिल करता है कि मतलब लॉन्ग टू गो आउट मीन्स मैं कहीं बाहर जाऊँ, दुनिया देखूँ, उसके आगे की दुनिया देखूँ. मैं इसी में पड़ी रहती हूँ और तुम तो सब जगह घूम आते हो, ज़मीन पे भी पानी में भी. मैं यही पड़ी रहती हूँ. आई विश आई कुड होप लाइक यू. मेरा भी दिल करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह कूद कूद के चल पाती, दुनिया देख पाती. सेट द डक टू द कैंगरू. बतख कहती किससे? कंगारू से कहती है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया देख पाती, इस तालाब से, गंदे से तालाब से बाहर निकल पाती. प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक सेट द डक टू द कैंगरू. अब बतख कंगारू से क्या कहती है कि प्लीज़ क्या तुम मुझे अपनी सवारी कराओगे, मुझे अपनी पीठ पे सवारी करा दो प्लीज़. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक. उसने कहा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, शांत बैठी रहूँगी, बस क्वैक क्वैक करूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी. क्वैक क्या होती है? वो साउंड होती है. किसकी साउंड होती है? डक डक जो है वो क्वैक क्वैक साउंड करती है. द होल ऑफ द डे लॉन्ग डे थ्रू वी हैड गो टू द डी एंड द जेली बो ली. और पूरे दिन हम जब घूमेंगे, बहुत सारी जगह घूमेंगे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे? डी जाएंगे, जेली बो ली जाएंगे. ये जो जगह है एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन जो पोएट है उसने क्यों बताया है? ऐसे ही इमेजिन किया है ये जगह जहाँ बतख जाना चाहती है. ओवर द लैंड ओवर द सी प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू सेट द डक टू द कैंगरू. अब बतख क्या कहती है कि हम डी जाएंगे, जेली बोली जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? पूरी ज़मीन में जितनी भी जगह है सब जगह घूमेंगे, समंदर में घूमेंगे. प्लीज़ मुझे अपनी सवारी करा दो, बतख अब कंगारू से कहती है. सेट द कैंगरू टू डक दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. अब बदले में जो डक है, वो जो कंगारू है, वो बतख की बात सुन रहा होता है. अब वो क्या कहता है बतख से कि मुझे कुछ सोचने दो. रिफ्लेक्शन मीन्स कि मुझे इमेजिन करने दो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें कैसे ले जाऊँगा. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक अप सो बोल्ड योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूम एट इज सेट द कैंगरू. अब जो कंगारू है वो बतख से क्या कहता है कि मुझे सोचने दो, शायद मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरे लिए किस्मत की बात है कि मैं तुम्हें ले जाऊँ घुमाने के लिए, लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है. ऑब्जेक्शन मीन्स एक मुझे आपत्ति है कि अब मैं तुमसे, अगर तुम मुझे बोलने दो, बोल्डली बोलने दो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पैर हैं अनप्लीजेंटली मेड मीन्स मतलब मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, वो इतने ज़्यादा गीले होंगे क्योंकि तुम तालाब में पड़ी रहती हो, तो तुम्हारे जाहिर सी बात है जो पैर होंगे वो कैसे होंगे? गीले होंगे, ठंडे होंगे, जिसकी वजह से मुझे क्या हो सकता है? रूमेटिज किसे कहते हैं? एक बीमारी होती है रूमेटिज्म. तो यहाँ पर जो राइटर है उसने सिर्फ राइम बनाने के लिए रूमेटिज वर्ड का यूज़ किया है, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है? रूमेटिज्म होता है जिसे कहते हैं गठिया, यानी कि मुझे हो सकता है गठिया की बीमारी हो जाए तुम्हारी पैरों की वजह से, क्योंकि तुम्हारे पैर इतने ठंडे और गीले होंगे कि मुझे ठंड लगेगी, और हो सकता है मुझे कोल्ड हो रहा है जिसकी वजह से मुझे गठिया भी हो जाए. सेट द डग एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव बॉट ओवर दैट आई हैव थॉट ओवर डैट कम्प्लीटली. अब जो बतख होती है वो क्या कहती है कंगारू से कि जब मैं पत्थरों पे बैठी हुई थी तो मैंने इसके बारे में अच्छे से सोचा, और अब मैंने सोचा है कि मैं क्या करूँगी. मैं ले आई हूँ वॉस्टेड सॉक मीन्स वूलन सॉक, यानी कि ऊनी सॉक्स ले आई हूँ विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो मेरे पैरों पे अच्छे से आ जाएंगे. वेब फीट का मतलब क्या होता है? जो बतख होते हैं उसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? जॉइंट, यानी कि उसकी जो होती है उनके मतलब जॉइंट होती है, उनकी फिंगर से जो जॉइंट होती है तो उन्हें वेब फीट कहते हैं. तो कहते हैं कि मैं
चार जोड़ी ऊनी मोजे ले आऊँगी और जो पहन लूँगी। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। उसने कहा कि कीप आउट मीन्स ठंड से बचने के लिए क्या करूँगी, एक लंबा सा कोट ले आऊँगी और एक सिगार जिसे हम मतलब पीती रहूँगी, इससे क्या होगा कि मुझे ठंड नहीं लगेगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कैंगरू। और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें भी ठंड ना लगे और मुझे भी ठंड ना लगे और हम दोनों अच्छे से घूम पाए। सेट द कैंगरू आई एम रेडी ऑल इन द मून पेल मून लाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी। अब जो कैंगरू होता है वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, अगर तुमने इतनी सब तैयारी करी ली है तो ठीक है मैं तुम्हें ले जाने की तैयार हूँ। तो दोनों क्या होता है मून लाइट पेल मीन्स जब हल्की हल्की चांद की रोशनी होती है, बिल्कुल रात हो रही होती है, हल्की सी रोशनी होती है, तो ये लोग क्या करते हैं चल पड़ते हैं। और लेकिन जो कंगारू होता है वो बतख से क्या कहता है कि तुम मुझे अच्छे से बैलेंस करके पकड़ लो और अच्छे से बैठ जाओ, मतलब फिक्स करके बैठ जाओ, हिलना मत, मेरी पूछे बैठ जाओ एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और जो है मेरी पूछ के पीछे एंड पे बैठ जाओ। एंड सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड। उसके बाद वो दोनों जो है कूद कूद के चलने लगते हैं। एंड दे होप द होल वर्ल्ड थ्री टाइम्स राउंड। अब कूद कूद के अच्छे मस्ती में चलने लगते हैं, उसके बाद वो पूरी दुनिया को तीन बार घूम लेते हैं। एंड हु सो हैप्पी ओ हु उनसे ज़्यादा कौन खुश होगा, वो तीन बार दुनिया को घूम लेते हैं। एज अ डक एंड द कैंगरू, यानी कि डक और कंगारू से ज़्यादा कौन खुश होगा जो कि तीन बार दुनिया घूम लेते हैं, और जो बतख होती है वो उसकी पूंछ पे बैठे बैठे उसकी टिप पे बैठे पूरी दुनिया घूम लेती है और पूरे मज़े ले लेती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम।